नमस्कार, मेरा नाम प्रीतिश शौर्य, मैं खंडवा मध्य प्रदेश से। जी, आपके सामने बोर्ड पे जो सेक्शन दिख रहा है जी, ये ग्राफिक्स का। जैसे मोबाइल में ग्राफिक्स का सेक्शन होता है, जब हम ग्राफिक बनाने जाते हैं तो उसकी क्या नीड होती है? जैसे किसी भी मोबाइल में ग्राफिक्स के लिए कुछ नीड्स होती हैं, वो कुछ इस प्रकार है। जैसे पावर आईसी है, पावर आईसी से हमको 1.8 चाहिए रहेगा। उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें +5 -5 चाहिए रहेगा। ओके, इसके बाद में जो कि ये यहाँ पे कनेक्टर पे आना जरूरी है, इसके बाद में हम सीपीयू से मीपी की ऐसी 10 लाइनें देखते हैं। ओके, इसमें यहाँ से देखते हैं आप, ये 10 लाइनें हैं, तो इसमें D3, D3P, D3N ये सब होते हुए, फिर उसके बाद में ID0, ID1, TE और रिसेट से हम 1.8 वोट लेते हैं। और इसके बाद में ये पूरा जब तैयार हो जाता सर्कल, तो हमारा ग्राफिक्स आता है। okay. लेकिन अगर मान लीजिए आपके मोबाइल से या किसी भी मोबाइल से पावर आईसी हटा दी जाए, सीपीयू हटा दिया जाए, तो ग्राफिक्स का आना या बनना संभव नहीं है। उसका भी सॉल्यूशन है, तो हम इसे भी जम्पर मार करके जो है इसे ग्राफिक्स को ला सकते हैं। ग्राफिक्स को मतलब हम वोल्टेज, ग्राफिक्स के वोल्टेजेस को ला सकते हैं। किसको ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं, -5 और +5 को ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं सर। Okay. तो लेकिन ये कैसे ला सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे कुछ संस्था के प्रोटोकॉल हैं। इसके लिए आपको आना है एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करें और यहाँ पे आकर के वो स्किल और टेक्निक सीखें, जिसपे हम आईसीओ को हटाने के बाद भी कैसे हमारा ग्राफिक्स बन जाता है। तो ऐसी टेक्निक जो है, ऐसा नॉलेज, ऐसा ज्ञान जो है, वो एशिया टेलीकॉम में ही मिलता है। तो जो ज्ञान आज मैंने प्राप्त किया, हमारी जो ग्राफिक्स की क्लास थी बड़ी अच्छी रही, हमने थ्योरी पढ़ी, उसके बाद में पूरा प्रैक्टिकल किया। अभी रात के 10 बज रहे हैं और हम सभी जो हैं यहाँ पे क्लास में बैठ करके प्रैक्टिकल भी किया, और आप सभी को यहाँ से हम लोग बता भी रहे कि किस प्रकार से होता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एशिया टेलीकॉम की पूरी टीम का, देव सर का, एमडी सर का, थैंक यू सर।